इंडिया को शामिल कर दिया गया है करेंसी मैनिपुलेशन की लिस्ट में अमेरिका के द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि इस करेंसी मैनिपुलेशन की लिस्ट में शामिल होने से इंडिया के ऊपर क्या क्या असर होंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या है। जब कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर कम करता है तो उसे करेंसी मैनिपुलेशन या फिर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आएगा कि कोई भी देश अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करेगा ही क्यों। लेट से हम लोग मान लेते हैं कि आज डॉलर की वैल्यू जो है वो 1 डॉलर बराबर ₹50 है, और इसे कम करके इंडिया जो है वो कितनी कर देता है, 55 कर देता है, 60 कर देता है या फौर से 70 कर देता है। तो यहां पर आप देखेंगे मार्केट फोर्सेस के द्वारा करेंसी की वैल्यू जो है डीवैल्यूएट हो गई, कम हो गई है। तो इससे आपको ये लगेगा कि करेंसी की वैल्यू कम होने से तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हाँ एक तरफ आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंडिया को इससे फायदा होगा। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ेगा, इंडिया का GDP ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा। और ताजुब की बात ये भी है दोस्तों कि 2020-21 में जहाँ पे दुनिया कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ रही है और आज भी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की लहर से हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन 2020-21 के आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग $5 अरब का व्यापार जो है वो भारत ने किया है। उसी के साथ साथ भारत जो है आने वाले समय में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी जो है मेंटेन कर रहा है। RBI ने लगभग $2 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अमेरिका से परचेस किया है। इन्हीं सारी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत को एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया जिसमें अब वो करेंसी मैनिपुलेशन जो है नहीं कर पाएगा। तो करेंसी मैनिपुलेशन से क्या क्या समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं। करेंसी मैनिपुलेशन से ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था है उसमें जॉबलेस ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, जहाँ पे एक ओर GDP ग्रोथ तो बढ़ती है लेकिन व्यक्ति जो है बेरोजगार होते रहते हैं, व्यक्तियों के पास में जो है रोजगार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो आम आदमी है उसकी कमर टूट जाती है, गरीबी जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी समस्याएं करेंसी मैनिपुलेशन करने की वजह से अर्थव्यवस्थाओं को देखने को मिलती हैं। अब जान लेते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड क्या बोलते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस ट्रेंड की बात करें तो चाइना जो है वो एग्रेसिवली करेंसी को डिवेल्युएट करता है, क्योंकि चाइना को अपने गुड्स बेचने से मतलब है, उससे अपनी इमेज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है और हम लोगों ने अब तक केवल 3 बार जो है करेंसी को डिवेल्युएट किया है। लेकिन पिछले साल जो ये देखा गया जिस तरीके से एग्रेसिवली हम लोगों ने अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूएट किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हम लोगों ने मुनाफा कमाया उससे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पे हो सकता है कि नकारात्मक भी प्रभाव आप लोगों को देखने को मिले। अब इसके सॉल्यूशन जो है क्या हो सकते हैं। इसके सॉल्यूशन के रूप में हमें अपनी करेंसी की वैल्यू को अप्रिसिएट करना होगा, हमें अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर ध्यान देना होगा, जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमने सपना देखा है जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार मिले, उस पहल की ओर हमको आगे बढ़ना होगा। चलिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है और पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है मिडिल पाथ, एक मध्यम मार्ग निकलते हैं सीखने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।